सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपने पास NS125 है, जिसमें अपन हेडलाइट बल्ब बदलने वाले हैं। सो रिसेंटली हमने इसमें RS200 की अंडर बिल लगाई थी। सो अगर आपने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो देख लेना, RS200 की अंडर बिल का इंस्टॉलेशन वीडियो है। सो इसका बल्ब हेडलाइट बल्ब बदलने वाले हैं, क्योंकि इसका हेडलाइट बल्ब शॉर्ट हो चुका है। सो NS125 का हेडलाइट बल्ब बदलते हैं और आपको बताते हैं किस टाइप से बदला जाता है। सो सबसे पहले ये बोल्ट देख सकते हो आप, एलन की बोल्ट्स एक दो और दो इधर रहते हैं। सो ये चार बोल्ट्स खोलने पड़ेंगे हमको। सो कर लेते हैं इनको ओपन। सो ये बोल्ट भी ओपन हो चुका है और इधर का फ्लैप बाहर नहीं आ रहा है। सो अब पूरी हेडलाइट अपनी ओपन हो चुकी है। सो जस्ट आगे खींचने से अपनी हेडलाइट बाहर आ गई है। सो देख सकते हो आप, पूरी हेडलाइट हाथ में आ चुकी है। गाइस, आपको नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पर कपड़ा रख लेना है, क्योंकि आप अगर हेडलाइट खोलोगे तो यहाँ पर स्क्रेचेस मार देता है। इसलिए जब आप फ्रंट में हेडलाइट ऐसे पुल करोगे तो यहाँ पर कपड़ा रख देना, नहीं तो ये स्क्रेचेस मार देगी आपकी हेडलाइट पर। सो ये है इसका हेड जो ओपन हो चुका है और इसके सॉकेट वगैरह है। सो हेडलाइट बल्ब इसके अंदर होता है, ये ब्लैक वाला रबर देख सकते हो आप। सो इसके अंदर होता है हेडलाइट बल्ब। सो रबर निकाल लेते हैं। सो ये है सॉकेट हेडलाइट बल्ब का। सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ पहले। सो इस सॉकेट के अंदर ये क्लिप देख सकते हो आप, ये लोहे की क्लिप दे रखी है ये वाली। सो इसे नीचे की तरफ पुल करके और ये जो बोल्ट देख रहा है यहाँ पर, इस साइड इसे लानी पड़ती है। सो कुछ इस तरह से आगे लाकर इसे ओपन कर देना। सो इससे आपका हेडलाइट बल्ब बाहर आ जाएगा। सो मैं बल्ब बाहर ले लेता हूँ अभी। सो ये इसका हेडलाइट बल्ब बाहर आ चुका है, जो कि शॉर्ट हो चुका है आप देख सकते हो। इसमें ये वाली जो क्लिप देख रहे हो आप, ये शॉर्ट हो चुकी है। सो अब बदलते हैं इसको। यहाँ से जब इसको पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। सो कुछ ही स्टेप से होता है इसका सॉकेट। सो ये कौन सा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो कुछ स्टेप से होता है 3-pin। सो ये 12 वोल्ट 35 वोल्ट का है। तो न्यू अपन लगाने वाले हैं अभी इसमें। सो मैं न्यू लेकर आता हूँ। सो ये न्यू बल्ब है और आप देख सकते हो वर्किंग कंडीशन में है। सो इसके दोनों पॉइंट्स चालू है। सो ये वाला अपन इंस्टॉल करते हैं इसमें। जैसे अपन ने ये पिन खोली थी, वैसे मैंने पिन भी वापस लगा ली है और न्यू बल्ब भी इंस्टॉल कर दिया है। और इस रबर प्रोटेक्शन अपन लगा देते हैं। सो ये रबड़ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे कोई भी डस्ट पार्टिकल हेडलाइट के अंदर नहीं जाता है, मतलब जो मेन हेडलाइट होती है बल्ब वगैरह वहाँ पर नहीं जाता है। सो रबर लग चुकी है। सो अब वायरिंग वगैरह कुछ इस टाइप से है। सो देख सकते हैं। सो ये इंस्टॉल कर लेते हैं प्रॉपर, उसके बाद मिलते हैं। सो पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और हेडलाइट फिक्स हो गई है अच्छे से। सो आप देख सकते हो अपन ने एलन की बोल्ट्स अच्छे से लगा दिए हैं। और गाइस, इसमें जो नीचे एलन की बोल्ट्स वाला सॉकेट होता है वो हल्का सा यहाँ पर ऊपर लेके फिर हेडलाइट को नीचे प्रेस करना पड़ता है, तभी फिट होता है। सो
ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन थी। सो अब आप देख सकते हो इसकी हेडलाइट ऑन हो चुकी है, पहले इसकी हेडलाइट ऑफ रहती थी। सो ये BX6 बाइक है, सो इसमें डायरेक्ट हेडलाइट ऑन हो जाती है बाइक स्टार्ट करने पर, लेकिन इसका बल्ब शॉर्ट हुआ था इसी कारण चलती नहीं थी। सो अभी आप देख सकते हो, सो देख सकते हो इसकी हेडलाइट जल रही है, और अपर डिपर मैं आपको जला के बता देता हूँ। सो ये इसका अपर है, पूरे डिपर है। सो ये अपर डिपर को जिस टाइप से काम कर रहा है आप देख सकते हो, ये अपर और ये डिपर। सो ये भी ओरिजिनल बल्ब है, कोई कॉपी नहीं है। सो इसमें जो बल्ब इंस्टॉल करा है वो भी ओरिजिनल है। सो कुछ इस टाइप से आप भी अपनी NS में हेडलाइट का बल्ब बदल सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा। सो पीस आउट। See the